बाबर आलम मैं तेरे होटल आ रहा जूतियां मारन मैं तेरे रूम का नंबर पता लग गया पहुंच होटल तू मैं आ रहा हूं गाड़ी कट पहले कट पहले कट कायदे आलम की आज बरसी है आज 11 सितंबर है और बरसी पे हमने भी फातिया ही कर दिया आज हारने का गम नहीं इतनी बुरी तरह हारने का गम है मेरा दिल टूट के हाथ में आ रहा है मेरा दिल कचूमर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इतनी बुरी तरह हारे बट पाकिस्तान की बॉलिंग एनर्जी क्योंकि मेरी रन्स अगेन बाबर रन्स नहीं करेगा तो पूरा टूर्नामेंट में रन नहीं किए क्लास 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 छोड़ो भाई और कोई इज्जत से तो मरो इज्जत से हारो बैटिंग हारना है तो इज्जत से हारो खेलो तो सही तुम तो ऐसा जैसे वो लूटो खेल रहे हो श्रीलंका हमारे हाथ से एशिया कप लेकर चला गया क्या कहेंगे हमने क्या कहना है हमारे दिल हमारे पिपड़े रो रहे हैं हम क्या करें इनके बारे में बात कर लो क्या हुआ क्यों टूटा दिल वो इंडिया लड़की में तो खुश है वो खुश होंगे इंडिया तो खुश होंगे बड़ा अफसोस हुआ है यार दोनों टीमें IMF की मकरूज थी पर एक जीत गई एक हार गई अब यही हो सकता है तो लोन मिल जाएगा हमें मिलेगा सानू के वापस लाया और बस कुट आज लग गए ना हेल अबे उस मरी हुई टीम ने जिनके खाने पीने के पैसे नहीं जिनके पास एशिया कप में आने के लिए पैसे नहीं जिनके पास होटल में कोई शॉपिंग के लिए पैसे नहीं उन्होंने मारा है मतलब शर्म करो यार नमस्कार दोस्तों जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इसलिए आपको दिल से शुक्रिया और इस वीडियो में हम भी वही देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान की करारी हार के बाद पाकिस्तानी लोग पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और उनके पूर्व क्रिकेटर भी अब मतलब बेकाबू हो चुके हैं और अपने ही टीम को बुरी बुरी गाली दे रहे हैं उनके लोग जो पाकिस्तानी लोग वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं सड़क पर आके रोना धोना मचा दिया है और पूरी रात पाकिस्तान में कल रोना धोना शुरू था मतलब जिस तरह से पाकिस्तान हारी है उसके बाद तो पाकिस्तानियों की रातों की नींद भी उड़ चुका था और कई कई पाकिस्तानी रोड पर आकर बवाल मचा रहे थे और स्टेडियम के बाहर तो लोगों का रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा है जैसे कि आपने इंट्रो में देखा और जैसे कि वो आंटी ने बोल दिया कि साला मतलब हारो तो हारो इस तरह के हारो मतलब जवान की तरह खेल के तो हारो मतलब ये जो हार थी ये पाकिस्तान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई मैं बोल के भी हंस पड़ रहा हूँ जिस तरह से अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप वीडियो की तरफ चलिए आप वीडियो को देखिए एंजॉय करिए बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में बाबर आजम मैं तेरे होटल आ रहा जूतियां मारन मैंने तेरे रूम का नंबर पता लग गया पहुंच होटल तू मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा गाड़ी कट पहले कट हमने क्या फील्डिंग की है क्या फील्डिंग की है क्या बैटिंग की है इतने अच्छे बजे गेंद तो पकड़ नहीं सके वो इतने इतने पकड़ लिए और हम जो है वो इतने कद काठ वाले एक गेंद भी पकड़ सके बेड़ा गर्क करा के रख दिया कायदे आलम की आज बरसी है आज 11 सितंबर है और बरसी पे हमने भी फातिया ही कर दिया आज कोई खेले तो सही जवानों की तरह खेलो तो सही मोरे मुके ठिटे इन्होंने कुछ करो तो सही वो तुम अच्छे शेयर हो तुम लोग देखो बंदा एक आध रन से हारता है को दस तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है ना फील्डिंग हुई है ना बॉलिंग हुई है ये किया गया इन्होंने हमें सलील करवाया और कोई इज्जत से तो मरो इज्जत से हारो बैटिंग हारना है तो इज्जत से हारो खेलो तो सही तुम तो ऐसे जैसे वो लूडो खेल रहे हो दिलेरी क्या हम तो खेले ही नहीं हमने खेले क्या हम क्या खेले हम तो ऐसे ही करते रहे क्या खेले हम ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तबीयत ठीक कर रही है क्या खेले हम बताएं क्या खेले हमारा खून ही चूसा इन्होंने हम उस वक्त से पानी पी पी के हमारे पसीने निकल रहे हैं और मिनट पिछवाड़े पानी मैं क्या उधर में ले जा श्रीलंका उन्होंने कहा नहीं तो नहीं चाहिए ताडे ही हार जा रहे ने खिलाड़ी तुसी पियो पानी सानू पानी पिया पिया के मारे है इन्होंने हारने का गम नहीं इतनी बुरी तरह हारने का गम है मेरा दिल टूट के हाथ में आ रहा है मेरा दिल कचूमर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इतनी बुरी तरह हारे पाकिस्तान ने क्या सोचे है बट पाकिस्तान की बॉलिंग एनर्जी क्योंकि मेरी रन्स अगेन बाबर रन्स नहीं करेगा तो पूरा टूर्नामेंट में रन नहीं किए क्लास 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 छोड़ो भाई जब तक फॉर्म है फॉर्म में क्लास रहती है जब तक फॉर्म है तो क्लास आप नजर आती रहती है पहली बॉल से मारना जा रहा है जा रहा है एंड रियली हैट्स ऑफ टू श्रीलंकन यू थॉरली डिजर्व दिस मैन एंड यू आर द बेस्ट टीम यू आर द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट श्रीलंका हमारे हाथ से एशिया कप लेकर चला गया क्या कहेंगे हमने क्या कहना है हमारे दिल हमारे पिपड़े रो रहे हैं हम क्या करें इनके बारे में आप पूछ रही एशिया कप तो लेके चले गए वो फाइनल में महीने लगा के रखे थे आज कप आएगा ही आएगा तो वो कप श्रीलंका लेके चले गए जहाँ तक मुझे लग रहा है ये प्री प्लान मैच था अच्छा। मुझे इसमें कोई भी टक्कर वाला मुकाबला नजर नहीं आया क्योंकि आप स्टार्टिंग हमारी देख लें अपना फील्डिंग देख लें कितने कैचेस हमारे छूटे गए हैं ठीक है उसके अलावा कितनी हमारी डल परफॉर्मेंस हुई है उसके अलावा बैट्समैन भी हमारे वैसे अल्लाह पाक इनको हदायत दे और हुकूमत से यही हमारी अपील है कि कोई अच्छे लोग अपनी पाकिस्तानी टीम में ऐड करें इन लोगों को जूते मार कर निकालें मैच के वाले से कोई एक लाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इनको जूतों से मारो
बड़ा अफसोस हुआ है यार, दोनों टीमें IMF की मकरूज थी पर एक जीत गई एक हार गई, अब यही हो सकता है। उनको तो लोन मिल जाएगा, हमें मिलेगा, सानू के वापस ले आओ बस। आज लग गए ना एल, अबे उस मरी हुई टीम ने जिनके खाने पीने के पैसे नहीं, जिनके पास एशिया कप में आने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास होटल में कोई शॉपिंग के लिए पैसे नहीं, उन्होंने मारा है। मतलब शर्म करो यार, इधर स्क्रीन लगी उधर स्क्रीन लगी, पूरे पाकिस्तान में स्क्रीनिंग लगी थी तेरे इस घंटे की टीम को देखने के लिए, ये परफॉर्मेंस निकल कर आई है। इस बात का रिजवान चढ़ा बैठा हुआ है ICC के ऊपर, 48 बोले 55 रन, इस बात की लानत देखने के लिए आज के दिन मुंह धो के निकला था आदमी के। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं, तुम तो बोल रहे थे ना टॉस जीतेंगे मैच जीतेंगे, दे दिया तुम्हारे ये वाला बंबू भी, ये वाली सारी ख्वाहिशात तुम्हारी मार दी, वो जो कीड़ा तुम्हारे अंदर साजिशों का फल रहा था आज वो लगा भाई खींचिए सारी तुम लोगों की, ऐसी की तैसी तुम लोगों की शक्लों के ऊपर शर्म भी नजर नहीं आ रही। वो तुम्हारे बेस्ट बॉलर को ठोका है उन्होंने, बेस्ट बॉलर्स को ठोका है तुमने आज, 103 रन मारे आखिरी 10 ओवर में। यार हाइलाइट तो श्रीलंका का, घंटे का ग्रेट मेरे घंटे, अबे ये घंटे मेरा घंटा हार गया टॉस जीत के, कॉल कर लो क्या हुआ है जहाँ जहाँ क्रिकेट जाती है हम कितने बंदा इतना उदास है, समझ नहीं आ रही यार, ये 20 ओवर की गेम है, इसमें जो बेस्ट प्लेयर करता है वही आखिरी बात। आखिरी भाई तुम्हें बता हम कितने मुश्किल बजट में यहाँ तक पहुँचते, आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की श्रीलंका से करारी हार के बाद पाकिस्तानी लोगों और उनकी मीडिया और क्रिकेटर की क्या रिएक्शन था। मैं यकीन मानिए दोस्तों, मैं जब ये वीडियो एडिट कर रहा था, मतलब मैं हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था कि ये कैसे कैसे लोग पाकिस्तान में रहते हैं यार, इतना अच्छा रिएक्शन, मतलब मैं बोलता हूँ कि कोई भी मतलब कंट्री का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं आएगा। हमारी इंडिया भी जब हार जाती है लोगों कुछ ना कुछ गाली देकर सो जाते हैं, लेकिन इनके जब मतलब टीम हारती है तो पाकिस्तान इस तरह हो जाते हैं जैसे कि मतलब क्या मतलब एक छोटे बच्चों का खिलाना कहीं गुम हो गया और तब बहुत जैसा होता है, मतलब इस तरह से पाकिस्तानी लोग मतलब वो रोने लगे, मतलब क्या क्या मतलब वो कह रहे हैं अपने टीम को, मतलब ये भूल जा रहे हैं कि हमारी टीम है, कल हम उनको ही सपोर्ट करेंगे, मतलब ये टीम तो कहीं नहीं जाएगी, पाकिस्तान भी रहेगा, पाकिस्तान टीम ही रहेगा, यही बाबर आजम यही रिजवान यही सब रहेंगे टीम में, लेकिन ये लोग पूरी तरह से पागल है यार, मतलब पागल कंट्री है, पागल लोग हैं, सब कुछ पाकिस्तान में मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब आपकी यहाँ पर बाढ़ आई हुई है उसको भी देखो, हाँ भाई फाइनल में गए ये भी शुक्र मनाने की बात है कि फाइनल में चले गए, इंडिया नहीं गया, इंडिया को हरा कर प्यार आपको फाइनल में जगह मिली ये बहुत बड़ी बात है, और फिर आप बोल रहे हो कि श्रीलंका को लोन मिल जाएगा IMF का, अरे भाई शुक्र मनाओ यार, पहले खुद को देखो कुछ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मुंह में कुछ अल्फाज नहीं है इन लोगों की बोलने के लिए, मतलब हंसने का दिल कर रहा है लेकिन मैं वीडियो में हंसूंगा तो आप क्या देखेंगे, तो बोलना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नहीं बोल मुझसे और नहीं बोला जा रहा है, और क्या ही बोलूँ, आप वीडियो को एंजॉय कर दीजिए, और मतलब वीडियो अगर मतलब आपको तो जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरा दबा दीजिए ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपके डिवाइस में फटक से आ सके और आप देख सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।